नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए एक न्यू भर्ती है वो लेकर आया हूँ। यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट ने एक तरीके से NTT का जो कोर्स है वो कर रखा है, एक तरीके से डिप्लोमा बोल सकते हो या वोकेशनल कोर्स बोल सकते हो, अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। साथ में अगर आपने ECCE कर रखी है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो आपने ले रखा है, ये NTT और ECCE एक ही डिप्लोमा इनको बोल सकते हो, ठीक है। ये वोकेशनल कोर्स होते हैं, अगर आपने एक कर रखा है तो आपके लिए एक भर्ती आने वाली है। साथ ही में इसके लिए जो मतलब कि फोरम है वो आपके 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। पद आपके 10,000 पद है वो रहने वाले हैं। अब काफी छात्रों का डाउट रहेगा कि ये जो NTT की भर्ती है वो राजस्थान में पहली बार आ रही है, जिसको राजस्थान प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक भर्ती भी बोल सकते हो 2024 के लिए। इससे पहले भी भर्ती जारी की गई थी जो कि 2018 में, ठीक है, 2018 में NTT टीचर भर्ती है वो जारी की गई थी, जिसके DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 2024 में हो रहे हैं। अब देखो, उसमें टाइम लगने का कारण ये भी हो सकता है, जैसे कि आप बोलोगे कि 4 से 5 साल है या 6 साल लग चुके हैं। काफी बार जैसे आपको पता है कि बीच में कोरोना भी आ गया था, इस वजह से भी यहाँ पर डिले वगैरह हो गया होगा। बाकी जैसे इसमें क्या रहता है कि इसमें जो आप नर्सरी LKG UKG साथ में पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो कि 2 साल से 5 साल तक की जिनकी अवस्था रहती है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर मेल और साथ में जो फीमेल कैटेगरी से जो भी बिलोंग करता है, ठीक है, सभी इसमें एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने NTT का डिप्लोमा है वो ले रखा है, जो कि 2 साल का भी रहता है, 1 साल का भी रहता है, अगर आपने ले रखा है तो आप इसमें एक तरीके से एलिजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 1 वर्ष का भी होता है, ये 2 वर्ष का भी होता है। अब काफी छात्र ऐसे कमेंट करेंगे कि सर, जैसे अभी मैं फिलहाल एडमिशन के लिए अप्लाई करूं, किसी भी इंस्टीट्यूट से अप्लाई करते हो या यूनिवर्सिटी से कॉलेज से अप्लाई करते हो, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? देखो, बिल्कुल, अगर आप उसमें अप्लाई करते हो और जैसे आपकी 18 जुलाई से फोरम है वो स्टार्ट हो रहे हैं और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपका जब फोरम भरा जाएगा उसमें एनरोलमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो एक तरीके से जो रनिंग में है, ठीक है, जो स्टूडेंट रनिंग में रहता है वो भी इसमें एक तरीके से अप्लाई कर सकता है। रनिंग का मतलब ये रहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप BSc कर रहे हो और आप सेकेंड ईयर में हो, और मतलब कि सेकेंड ईयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है और थर्ड ईयर में आप चल रहे हो, थर्ड ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं, फिर भी आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले ही उसके लिए जो मतलब कि उसके बाद में ही उसका एग्जाम वगैरह है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्रोसेसिंग में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि अगर आपके फोरम है 18 जुलाई के बाद में तकरीबन 1 या 1.5 महीना चलता है, और अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपके एनरोलमेंट नंबर वहां पर चाहिए होंगे, वो आपको उससे कॉलेज से मिल जाएंगे, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप फोरम में वो भर पाओगे, ठीक है। उसी के बाद में आप जो MSME से रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप ये करते हो, कॉलेज से करते हो, वैसे तो इग्नू के द्वारा भी ये करवाया जाता है, साथ में NIOUS के द्वारा भी करवाया जाता है, IED VP के द्वारा भी करवाया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो फीस रहती है वो, जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके लिए जो फीस रहती है वो 5,000 से लेकर 25,000 या 30,000 तक भी रहती है। वो डिपेंड करता है कि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो, वो डिपेंड आप सभी छात्रों के ऊपर करता है। लेकिन इनके लिए 2024 में भर्ती है वो आने वाली है। नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको जो पूरा फुल डिटेल जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिन भी स्टूडेंट ने एक तरह से ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी छात्र ज्वाइन कर सकते हो। आयु मैंने क्लियर कर दिया कि 21 से 24 साल के जो स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। साथ में जो OBC EWS ST ST के जो इतने भी छात्र हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि उनको जैसे 2 से 3 साल का एज रिलेक्शन है उनको मिल सकता है। बाकी 2018 में जो भर्ती आई थी वो 1318 पदों पर भर्ती आई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 2024 में हो रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट